आज पीठासीन अधिकारियों का तियासीवा सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इस सम्मेलन में हमारे समापन समारोह में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, राज्यसभा में उपसभापति श्री हरिवंश जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी साहब, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब कटारिया जी, देश भर से आए सभी पीठासीन अधिकारीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, राजस्थान की राजधानी में आज ये तीव्रवा सम्मेलन नई ऊर्जा से, नए संकल्प से, नए निर्णयों के साथ आज संपन्न हुआ। सम्मेलन में हमने कई विषयों पर चर्चा की, संवाद किया, विचारों का आदान प्रदान किया और अलग अलग विधानसभाओं ने जो नवाचार की, बेस्ट प्रैक्टिस की, उसको भी साझा किया ताकि इससे अन्य विधानसभाओं को नवाचार करने की प्रेरणा मिले। सम्मेलन के अंदर G20 पर भी चर्चा हुई। भारत का सौभाग्य है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और इस G20 की अध्यक्षता के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई दिशा दी है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की, इसलिए हम, हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं और पूरे विश्व में शांति हो, स्थिरता हो, समृद्धि हो, इसके लिए हम सामूहिक प्रयास करें और उसके साथ साथ लोकतंत्र की जननी भारत है और किस तरीके से हम प्राचीनतम समय भी हमने लोकतंत्र के माध्यम से, हमने सबका विकास सबके कल्याण की भावना से काम किया और आजादी के 75 वर्षों के अंदर जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव के समय भी हमने अपनी 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देश में सामाजिक आर्थिक विकास कर आज दुनिया के अंदर भारत का नया उदय हो रहा है। यह हमारा सब उन नेताओं का प्रयास है, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रयास है जिन्होंने समय समय पर सदनों में चर्चा, संवाद, सहमति असहमति के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन के माध्यम तक, सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का काम किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे थे। देश के सभी राज्य अपने अपने कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। भारत ने भी उसी तरीके से कल्याण की योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई और इस तरीके से अच्छी कल्याण की योजनाओं को हमें आपस में परस्पर साझा करना चाहिए। जो प्रदेश की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति होती है,
उसके अनुसार योजनाएं बनाने का काम करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सदनों में जो भी विषय आता है उन विदेश विषयों पर लंबी चर्चा हो, संवाद हो, आम आदमी की आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचे, ताकि हर कल्याणकारी योजनाओं की जवाब देते हो, पारदर्शिता हो, जनता की भागीदारी हो और कार्यपालिका पर नियंत्रण हो। यह हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं की विशेषता रही है। मुझे आशा है इसी तरीके का काम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कर रही है। लेकिन इस समय जब मौका है G20 का, तो हमें फिर से विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ रही है। पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं आदर्श बने, ताकि जब हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत की जननी है, जब तक भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत नहीं होगा और इन संस्थाओं के माध्यम से हम समाज के आर्थिक सामाजिक कल्याण के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमें फिर से विचारने विषय करना पड़ेगा। और इसलिए जयपुर में इसी बैठक कर चर्चा हुई कि हम एक निश्चित फैसलों पर, निश्चित निर्णयों पर जाएं और हमारी संस्था एक आदर्श संस्थाएं रहें, दुनिया हमारी संस्थाओं से मार्गदर्शन ले, प्रेरणा ले, दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को देखने आए, उनकी चर्चा संवादों को, विचारों को, उनके सिस्टम को, उनके नवाचारों को देखने आए। इसलिए व्यापक रूप से बड़े स्तर पर सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। मुझे आशा है कि जो सुझाव आए हैं, जो कुछ निर्णय हुए हैं, जो फैसले हुए हैं, उन निर्णय और फैसलों पर सभी राजनीतिक दल हमें सहयोग करेंगे, ताकि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें, जवाबदेही बना सकें, कार्यपालिका पर निगरानी कर सकें और एक पारदर्शी शासन प्रशासन आए। इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा, संवाद, अच्छी डिबेट, सार्वगतिक चर्चा होगी, उतना ही हम पारदर्शी और जवाबदेही शासन में ला पाएंगे। और इसीलिए कुछ विचार हमारे आए हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं, उन जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा हो, आचरण कैसा हो, हमारी उच्च कोटि की मर्यादा रही है, परंपराएं रही है, उन उच्च कोटि की मर्यादा परंपराओं का हम पालन करें, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, डिबेट हो, लेकिन डिस्टर्बेंस न हो। आज हमारी चिंता यही है, चाहे किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो, देश में हो, सभी विधायी संस्थाओं की एक चिंता है कि नियोजित तरीके से सदनों को स्थगित कराना, बेल में आना, डिस्टर्बेंस करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सभी लोकतांत्रिक विधायी संस्थाएं अपने यहां बेहतर कानून बनाने का काम करेंगे। हर विधानसभा को अपने अपने नियम कानून प्रक्रिया बनाने की स्वायत्तता है, लेकिन हमें अगर लैंडमार्क करना है, इस 100 साल के अंदर भारत का लोकतंत्र किस दिशा की ओर जाए, तो हमें हर विधायी संस्थाओं के अंदर हमारे नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है
कि सबको स्वायत्तता होने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि सारी नियमों प्रक्रियाओं में राज्य की विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानमंडलों में एक रूपता है और उसमें विशेष रूप से शालीनता, गरिमा, मर्यादा रहे, अच्छी चर्चा हो, कानून बनाते समय लंबी डिबेट हो, चर्चा हो, जो विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों की चिंता है कि सरकार एक दिन पहले, एक घंटे पहले कानून लाने का काम करती है। हम चाहते हैं कि कानून बने उसके पहले पर्याप्त समय मिलना चाहिए। देश की जनता के लिए कानून बन रहा है, उनके कल्याण के लिए कानून बन रहा है, और जब देश की जनता के कानून बन रहे तो जो जनप्रतिनिधि है उनको जनता से संवाद करके उस कानून में जितनी अच्छी चर्चा होगी, डिबेट होगी, उतना ही बेहतर कानून बनेगा और उतना ही अधिक जनता का कल्याण होगा। हर सरकार कानून बनाती है जनता के कल्याण के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण करें, ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें, लेकिन उस पर डिबेट और चर्चा कम होना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुझे आशा है सभी राजनीतिक दल इसमें सहयोग करेंगे। सदनों की घटती संख्या के लिए भी हमारे माननीय विधायक अध्यक्षों ने चिंता की कि लगातार विधानमंडलों के अंदर, विधानमंडलों की संख्या घटती जा रही है, उस पर भी चिंता की। और उसके साथ साथ हमारी जो संसदीय समितियां हैं उन संसदीय समितियों में दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है, अच्छी रिपोर्ट आती है। कई माननीय स्पीकरों ने कहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। सीपी जोशी साहब ने जहां वित्तीय सहायता के लिए लैंडमार्क की बात की, उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन संसदीय समितियों पर चर्चा की एक सिलसिला शुरू करूंगा तो शायद एक नई दिशा बनेगी। और जो रिपोर्ट आई उस पर चर्चा संवाद होने लगेगा तो जवाब देते होगी, शासन में पारदर्शिता आएगी और कार्यपालिका की जवाबदेह होगी तो लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। इसी के साथ साथ सारी राज्य की विधानसभाएं अपने अपने राज्य के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का आस्था विश्वास बढ़े, देश की जनता, राज्य की जनता यह माने कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से ही हमें अधिकार भी मिलेगा, हमारा सामाजिक आर्थिक कल्याण इन संस्थाओं के माध्यम से होगा। जितना अधिक संवाद, चर्चा, डिबेट में लोगों की भागीदारी होगी, लोक आस्था इन संस्थाओं पर बढ़ेगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। इसलिए लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी बने, इसके लिए सभी विधानसभाएं अपने अपने राज्यों के अंदर, जो सीपी जोशी साहब ने कहा है कि लोकतांत्रिक एजुकेशन की आवश्यकता है और इसके लिए एक व्यापक अभियान चलेगा, नौजवानों में, महिलाओं के अंदर, और इन संस्थाओं के प्रति सक्रिय भागीदारी बने, उनके इनपुट आए, उनके सुझाव आए, जनप्रतिनिधि को कानून बनते समय सुझाव दें। इन सब बातों पर भी इसमें चर्चा हुई। विशेष रूप से मैं यहां पर पधारे उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधायिका सर्वोच्च है, कानून बनाने का हमारा अधिकार है, न्यायपालिका को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उन सब चीजों की उन्होंने चर्चा की है, उस पर भी हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सबको अपने क्षेत्र अधिकार, अपनी मर्यादाओं को रखना चाहिए ताकि सब संस्थाएं अपने अपने प्राप्त अधिकारों से काम कर सके और बेहतर काम कर सके। मैं पुनः इस मौके पर सभी
माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने दोनों दिन हमारे सम्मेलन में भागीदारी निभाई, गुलाबचंद कटारिया जी को भी, हरवंश जी, सभी राजनीतिक दल के विधायक सांसदों को, और विशेष रूप से हमारे लगातार दो दिन तक यहां बैठकर उन्होंने चर्चा संवाद को सुना डॉक्टर हरवंश जी, और एक सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के लिए, व्यवस्था भी सर्वश्रेष्ठ की, अपने विचारों को भी व्यक्त खुलकर किया, एक अच्छी दिशा देने का काम भी किया। इस विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी लोकसभा राज्यसभा के अधिकारीगण, महासचिवगण, राजस्थान विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, राज्य सरकार के सभी एजेंसियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे आशा है कि मेरे राज्य के अंदर जहां इंतजाम सीपी जोशी ने किया, सभी विधानसभा के अध्यक्ष यहां पर अपनी नई स्मृति को लेकर जाएंगे, नए संकल्प को लेकर जाएंगे, और आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त मजबूत करना है। दुनिया के अंदर लोकतंत्र की जननी भारत है, और भारत में लोकतंत्र की संस्थाओं के माध्यम से ही हम आर्थिक सामाजिक परिवर्तन कर दुनिया का अग्रिम देश बनेंगे, अग्रिम राज्य बनेंगे। इस संकल्प के साथ हमें जाना है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम पधारे, उनको पुनः बहुत बहुत साधुवाद।